नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी और आप देख रहे हैं जनवाद टाइम, सच के साथ एक कदम। भारतीय लोकतंत्र में संविधान द्वारा समता मूलक समाज की स्थापना की गई है। स्त्री पुरुष को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन भारत में आए दिन स्त्रियों के साथ हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न की घटनाएं देखने को मिलती है। भारत में कोई पहली घटना नहीं है। हिंसा, बलात्कार और यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए भारत में कड़े से कड़े कानून बने, लेकिन फिर भी इस पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है। यह हमारे समाज के लिए बहुत ही गंभीर प्रश्न है। हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी घटना जो हमारे समाज की बेटी के साथ कुछ दरिंदों ने मिलकर किया गैंगरेप। लड़की का नाम काजल, 19 साल, उम्र मोड़ासा, तहसील अरवली, और उन तीनों आरोपियों का पता गुजरात पुलिस ने लगा लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनवाद टाइम, सच के साथ एक। ભાઈ તમે જુઓ, બધા ઓપ્શન છે છોકરી ને બચવાના, કોઈ ચડાવવા ગમે તો મૂકી શકે એવું છે, આ તો જાતે કરીને ચડાવી દીધી સોને એમની, આ બચવું તો પેલી વડવા છે, પેલી વડવા પકડી લે તો યાર બચવાની જગ્યા હોવા જાર હ, પણ તો ખલાસ કરીને મન નાખી અને પચવા નક્કી जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।